जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। दोस्तों क्या हाल है आप सबका, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेसिकली जो है वो आपको मैं यहाँ पे स्टूडेंट जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। वीडियो में बेसिकली मैं आपको आज ये बताऊँगा कि जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर यूके में तो कौन सी जॉब जो है उनके लिए सूटेबल होगी जो कि वो यहाँ पे आके इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आपके पास जो है ना स्किल होना लाजमी है। स्किल यहाँ पे देखा जाए को टेक्निकल वर्क हो जाए। जैसे टेक्निकल वर्क क्या होता है, टेक्निकल वर्क ये होता है कि आपके पास कोई हुनर हो, जैसे प्लम्बर हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गया, मैकेनिकल हो गया, और इसके बाद सिविल इंजीनियर हो गया, और इसके अलावा बहुत सारी जो कि टेक्निकल फील्ड हैं जो आपको बेहतर ही पता होगा। आप गूगल में जाके टेक्निकल फील्ड सर्च करेंगे तो आपको हर किस्म की जो है ना फील्ड आपको पता चल जाएगी। लेकिन पहली बात यह है कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जो जिस फील्ड में आप अप्लाई करेंगे उस फील्ड में आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आप के पास उस फील्ड के रिलेटेड एक डिप्लोमा भी होना चाहिए जो कि आपके लिए बहुत ही यहाँ पे आके फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये यहाँ पे मैंने जितना मतलब कि एक साल हो गया मुझे यहाँ पे, तो मैंने जहाँ तक मुशाहदा किया है, गौर किया है, मुझे इस चीज़ का इल्म हुआ है कि यहाँ पर जो है ना टेक्निकल बंदों की ज़रूरत है जो कि बहुत ही यहाँ पे शॉर्टेज है, जिसकी वजह से ये जो अभी स्टूडेंट आ रहे हैं वो इन्होंने ये किया है कि नेक्स्ट 2023 में अभी जो है इस दिस ईयर के कम जो है ना स्टूडेंट को कम ही अलाउ करेंगे यहाँ पे, उनको कम ही वीज़ा देंगे। उसकी मेन वजह यही है कि जो है ना अनस्किल्ड स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पर ज़्यादातर। तो इसकी वजह से मैं आपको ये बताऊँगा कि यहाँ पर अगर आएँ, आपके पास अगर टेक्निकल कोई भी कोर्स हो तो आप इजीली यहाँ पे जॉब कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। यहाँ पे आपको पता है एनआई की जॉब आपको मिलेगी, एनआई पे आप 20 आवर्स अलाउ होंगे, लेकिन अगर आपके पास 2 साल का वीज़ा है, 2 साल के स्टूडेंट वीज़ा है, तो आप इजीली जो है वो 2 साल जो है ना आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और काम मतलब कि इस हिसाब से कि आप किसी इंडस्ट्री में कोई किसी भी फील्ड में इजीली आप यहां पे जा सकते हैं आपके पास अगर टेक्निकल का कोर्स होगा तो। क्योंकि यहां पे काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं मुख्तलिफ जो है ना, अच्छी अच्छी कंपनी होती हैं, अगर वहां पे आपको वर्क मिल जाए तो आप इजीली यहां पे किसी भी कंपनी में जॉब कर सकते हो, और मैं भी कि वो आपको स्पॉन्सर वीज़ा दे दे जो कि आपके के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो परमानेंट वीज़ा होता है, वो ऐसा उसको बोलते हैं स्किल वीज़ा। तो आप जब यहाँ पे आएँ तो आपके पास ये टेक्निकल कोर्स होना लाजमी है जो कि मैंने आपको बता दिया है ये कोर्स है। इसके अलावा अगर आप आपके पास ये स्किल नहीं है तो फिर भी आप यहाँ पर अच्छा खासा जो है ना काम करके पैसे कमा सकते हैं। उसका ये तरीका है कि आप यहाँ पे आपके पास दूसरा वीज़ा होना चाहिए जो कि सॉरी जो कि स्किल वीज़ा होना चाहिए। जो स्किल वीज़ा ये है कि आप एक कंपनी आपको स्पॉन्सर करेगी, उसके लिए इंशाल्लाह मैं उसके लिए एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि कंपनी आपको स्पॉन्सर कैसे करेगी। तो फिर वो ये है कि आप उस पर काम कर सकते हैं ईज़िली। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कि स्किल वीज़ा आप कैसे उस पर कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा। तो आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है, और ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।